कहने को तो बड़कोट गांव को 1993 में शहर में तब्दील कर नगर पंचायत बना दिया गया था। नगर पंचायत के बाद 2017 में इसे नगर पालिका भी बना दिया गया था, लेकिन नगर की समस्या जस की तस बनी हुई है। यमुना नदी के तट पर बस्सी नगर पालिका बड़कोट में, जहां शहर के दाहिनी ओर से यमुना नदी बहती है, लेकिन शहरवासियों का दुर्भाग्य तो देखो कि इन्हें पीने तक के लिए के पानी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। स्थानीय लोगों को पुराने जल स्रोतों से ही अपने पेयजल आपूर्ति करनी पड़ती है, जबकि इस मार्ग पर सभी जिला स्तरीय अधिकारियों का जिला मुख्यालय में प्रतिदिन आना जाना लगा रहता है, लेकिन बड़े अधिकारी इन सब से आंखें चुरा कर निकल जाते हैं। पानी स्रोत है जहाँ से हमारे बाप दादा ने पहले से पानी पिया है, वहाँ के बावजूद भी हमें इनको टैक्स देना पड़ता है, फिर भी हमें पानी नहीं दे रहे। कैसे लाइन टूट जाती है तो इनके घर में इनके ऑफिस में 36 बार जाना पड़ता है, फिर भी लोग जो लाइन को बनाते नहीं। पहले जब ये छोटा सा गांव था तब से जो एक बहुत पुरानी लाइन है, इसमें कई वर्ष 40-45 साल पहले की लाइन है, अभी तक वही लाइन चल रही है और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नगर पंचायत की नगर पालिका हुई और लगातार पानी की समस्याएं, गर्मी क्या सर्दियों में तक और यात्रा सीजन जब शुरू होता है तब तो मेरे को लगता है कि नीचे जो वार्ड हैं, वार्डों में पानी का कहीं पर भी जो है बूंद नहीं आता है। लोगों को जो है लाइन पे ऊपर हैंडपम्प भी आ नहीं है, बहुत दिक्कतें लोगों को होती, कोई कहीं से भर के लाता है, बहुत बड़ी समस्या है। और इसी पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हैं अनिल रावत फोन पर। अनिल जी, यहाँ पर बड़कोट के गाँव के जो लोग हैं, क्या कुछ समस्या है इनकी? जी, मैं बता दूं कि नगर पालिका बड़कोट जो है यमुना नदी से बिल्कुल लगा हुआ है और यहाँ पे जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की है जी। अभी तो ऑफ सीजन है, लेकिन जब चार धाम यात्रा शुरू होती है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो दिक्कत लोगों को आती है वो पानी की दिक्कत आती है। जी, तो इस मामले की शिकायत वहाँ पे जो ग्रामीण है किसी से उन्होंने की है, किसी अधिकारी से, डीएम से, क्या कुछ उसमें एक्शन कुछ किया गया है किसी की तरफ से? जी, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोग लगातार जो है शासन प्रशासन को कई बार बता चुके हैं, लेकिन विभाग जो है अभी तक जो है सो रहा है। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ग्रामीण है इस मामले की शिकायत कर चुके हैं कि गांव में पानी की खासा कमी यहां पर है, लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है, पीने का पानी तक उन्हें नसीब ठीक से नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऐसे में अधिकारी कुछ भी इसमें एक्शन लेते नहीं नजर आ रहे हैं। शिकायत करने के बाद भी इस मामले पर कोई कार्रवाई यहां पर नहीं हुई है।